हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। इनकी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नेपाल के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगे जिले 5 जिलों में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण वन अभियान में भाग लेने वाले प्रत्येक जिले में शक्तिवन, युवावन और बालवन जैसे विशेष वनों की स्थापना की जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, विधान परिषद की कुल सीटें हैं 100, विधानसभा की सीटें हैं 403 और राज्यसभा की सीटें हैं 31, लोकसभा की 80 सीटें हैं। क्वेश्चन 2, 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया है? इसका सही उत्तर आएगा महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र को 2024 के लिए 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना है। नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए चुना गया है महाराष्ट्र और यह पुरस्कार 2008 से एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका के द्वारा दिया जा रहा है। यह पुरस्कार उन सरकारों, व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले देश का सबसे बड़ा बांस मिशन शुरू किया है। अब हम महाराष्ट्र से संबंधित करंट अफेयर पढ़ते हैं। महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में लेक लड़की योजना और नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में वाधवन पोर्ट बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2024 जीती है। क्वेश्चन 3, पीएम मोदी जी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया और रूस की यात्रा पर। प्रधानमंत्री मोदी जी रूस और ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर गए थे और रूस में 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच सन 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले पीएम मोदी जी 2019 में रूस गए थे। पीएम मोदी जी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। 1955 में पंडित नेहरू जी गए थे और 1983 में इंदिरा गांधी जी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। अब हम बात करते हैं भारत और रूस से संबंधित करंट अफेयर की। 2023-24 में भारत ने रूस से 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा था। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 करोड़ का निर्यात किया था। भारत ने रूस से 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी। रूस ने भारत में मेगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। क्वेश्चन 4, पैकेज खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किसने किया है? इसका सही उत्तर आएगा FSSAI ने। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पैकेज खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल शर्करा, नमक और वसा जैसी पोषण से संबंधित जानकारी बड़े और मोटे अक्षरों में प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं अपूर्व चंद्रा। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा की गई थी। हाल ही में FSSAI ने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करने पर फल व्यापारियों के लिए चेतावनी जारी की थी। क्वेश्चन 5, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अचंता शरत कमल के साथ किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है? इसका सही उत्तर आएगा पीवी सिंधु को। टेबल टेनिस स्टार शरत कमल और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक बनाया गया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल
और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। अचंता शरत कमल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित कुछ तथ्य की। पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 100 वर्षों के बाद किया गया है। इससे पहले 1924 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। पेरिस लंदन के साथ 3 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला एकमात्र शहर है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह पहली बार स्टेडियम में नहीं होगा, इसके बजाय ये सीन नदी पर होगा और सीन नदी पेरिस के मध्य से गुजरती है। पेरिस में सन 1924 और अब 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। लंदन ने 1908 में, 1948 और 2012 में खेलों की मेजबानी की थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।